बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्तियों का ऐलान कर दिया है और 600 प्लस इस दफ़ा वैकेंसीज आई हैं, डिफरेंट कैडर्स के अंदर वैकेंसीज आई हैं और जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर 2021 है। नाज़रीन, इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप इसमें टेस्ट देंगे, टेस्ट पैटर्न क्या होगा और आप इसको फिज़िकल किस तरह से क्लियर करेंगे, ओएम क्या होता है, जीडी क्या होता है, टेक की जॉब्स क्या होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको देंगे। लेकिन फिर अभी इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस किस नौइयत की जॉब्स हैं और इन जॉब्स को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए जी, ये आपके सामने ब्राउज़र आ गया है, गूगल पे हमने इसको यहाँ से जाना है उस वेबसाइट के ऊपर जिस वेबसाइट के ऊपर ये जॉब्स हम अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई होगी, कोई हॉट फॉर्म इसमें हमने कॉपी नहीं जमा कराई। ये देखें जी, LEAON1, तो ये वेबसाइट है जी, ये आपके सामने आ रही है और .gov.pk और ये देखें जी खुल गई है। अब आपके सामने ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे ये देखें इंस्ट्रक्शंस हैं जी, यहाँ वीडियो ट्यूटोरियल, ये कॉन्टैक्ट है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जॉब से, ये लॉगिन है, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और इसको ये देखें जी, ज़रूरी है हिदायत है, बगौर आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस पर लिखी हुई है कैसे जॉब अप्लाई मतलब करना है इस पर। और ये फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ये देख लीजिएगा। यदि जॉब्स हैं, यहाँ पे हम जॉब्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें जी डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आ गई हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 14 स्केल्स है इसकी, 31 इसकी सीट्स हैं, टेक की हैं, ये भी टेक की है, टेक का 11 है, ये टेक का 14 है। टेक क्या होता है, टेक जी एक टेक्निकल होता है जिसके अंदर आप डेफिनेटली अब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा टेक्निकल वर्क किस तरह से होता है, सारा काम कर रहे हैं टेक वाले और जिसमें वो मतलब डिफरेंट टाइप्स मतलब कर रहे होते हैं, टेपिंग शेपिंग ये वो मतलब जो भी इंटेलिजेंस का काम होता है। ये भी आगे इनकी जॉब्स आगे कहाँ पे कितनी जॉब्स हैं ये सारी है। अच्छा, ये देखें डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग ये है और या आपने FSC किया हो और 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 6 मंथ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड या FSC प्री इंजीनियरिंग और 6 मंथ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड में हो या आप एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया हो इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और 18 से 30 साल इसकी लिमिट है, एज लिमिट है। और तो हम पीछे चलते हैं, ये देखते हैं जी ये डिफरेंट जॉब्स हैं। यदि हमने टेक 14 खोला है जिसमें हमने ये देखें जी, ये भी इसी तरह डिफरेंट उसकी एलिजिबिलिटी इसमें दी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट है, ये व्हीकल मैकेनिक्स हो गए। अच्छा, JD7 ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है और JD11। अच्छा, GD का मतलब है जनरल ड्यूटीज 7, ये हम खोलते हैं जी। ये देखें इसका जी फिज़िकल होगा, इसका मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन और मिनिमम फिज़िकल क्राइटेरिया जो है ना वो 7.57 है और जिसके लिए सिंध के लिए और ट्राइबल एरियाज के लिए डिफरेंट है और रनिंग 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में 1.6 और इसी तरह फीमेल्स के लिए भी क्राइटेरिया दिया गया 5'2" हाइट है और 1.6 जो किलोमीटर 10 मिनट में करना और ये रनिंग जो है 1.6 ये मर्द जो है ना 8 मिनट में करेंगे और सारी क्राइटेरिया और ये जॉब्स की तकसीम किया गया है मुख्तलिफ उसके ऊपर। चलिए पीछे चलते हैं जी, ये जी JD11 में हम चलते हैं, JD11 में हम देखते हैं, ये देखें जी ये उसी सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन इंटर उन्होंने की हुई है और ये ASI के बराबर मतलब कहलाता है
और ये देखें जी OM11, इसी तरह OM7। OM का मतलब ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि आप ऑफिस के अंदर रह के काम करेंगे, डेस्क पे काम करेंगे। और GD जो होता है वो जनरल ड्यूटीज होता है, आप डिफरेंट हर नोयत का आपसे काम लिया जा सकता है, फील्ड वर्क दिया जाएगा। और GD इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत मज़े की जॉब है, इसमें आपको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी हल्की फुल्की, और उसके बाद आपने जो है ना OM जो है वो उसकी ट्रेनिंग इतनी खास नहीं होती, कमांडो ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन आपको उसको ये जी लॉगिन हमने कर लिया जी। देखें जी लॉगिन, अच्छा लॉगिन करने के लिए अप्लाई करने लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये हमने अकाउंट बना लिया, ये देखें जी CNIC मोबाइल फ़ोन नंबर ईमेल, और ये इस तरह से यहाँ से आप इसको, अच्छा फिर आपको लॉगिन बन जाएगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल हम खोलते हैं, इसमें ये देखें जी वीडियो ट्यूटोरियल उर्दू में दिया गया है, इसमें मुकम्मल ब्रीफली उर्दू में बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये पश्तो में, ये बलोची में, ये सिंधी में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, मकामी लैंग्वेजेस के अंदर आपको तफसील से बताया है। ये उर्दू में हम इसको खोलते हैं, ये देखें जी ये आप ये देखें डिफरेंट डिफरेंट आपको मुकम्मल आपको तफसील इसमें मिलेगी आपको, इसी तरह बलोची में, पश्तो में, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा अब हम जी इस, अच्छा देखें जी कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर हम जाएँ तो कॉन्टैक्ट पर देखें ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन है इस ईमेल पे आप रब्ता कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस टाइमिंग के अंदर। इसी तरह व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर देखें कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि व्हाट्सअप नंबर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इस पर मैसेज करें, टेक्स्ट करें। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी वीडियो के नीचे आप करें, आपको फ़ौरन आपको जवाब मिलेगा। आप कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी ताकि वो आपको मिल सके, और हम इसके ऊपर मुकम्मल तफसील जब इसकी जब इसका फिज़िकल आएगा या आपका स्किल टेस्ट आएंगे तो वो हम आपको फर्दर आपको गाइड करते रहेंगे, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। और आप इसके नीचे कमेंट्स करें, उसके फ़ौरन आपको उसके जवाब आपको दिया जाएगा। इसके बाद जी आप ये देखें जी इंस्ट्रक्शंस में, आप इंस्ट्रक्शंस पर जाएं, यहाँ पर मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये जिस तरह से वीडियो में बताया गया इसी तरह उन्होंने लिख के बताया हुआ है किस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट्स को नेम CNIC किस तरह लिखेंगे, नंबर, अच्छा नंबर जब आपने इस पर देना है ना तो प्लीज़ उस पर कन्वर्टेबल नंबर ना दें, उसमें लिखा भी हुआ पोर्टेबल नंबर एंड लैंडलाइन नंबर नॉट सपोर्टेड ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। और इसी तरह आपने ये आपने डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट इसमें उन्होंने मुकम्मल तफसील लिखी है। इसी तरह जी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसमें आप ये देख लें जी जो पहले से इन सर्विस हैं वो किस तरीके से उनको लिए, कितने गैप होना चाहिए, कितनी उनकी सर्विस होनी चाहिए, एक्स नेवी आर्मी के लोगों के लिए क्या उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, और इसी तरह 5 ईयर 3 ईयर का क्या इसमें है, और ये सारी तफसील इसमें लिखी गई है। इसी तरह आपने लॉगिन का तो आपको पता बता दिया है कि ये क्रिएट अकाउंट है, इसमें आपने अपना क्रिएट अकाउंट करेंगे तो लॉगिन बन जाएगा। लॉगिन पे आप जब खोलेंगे तो आपको मुकम्मल तफसील आएगी, जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, जिसमें आपने अपनी लैंग्वेजेस बतानी है, जिसमें आपने मुकम्मल ब्रीफली आपको एक्सप्लेन आपको इसके अंदर आपने चीज़ें आपने बतानी पड़ेंगी। इसका जी फिज़िकल जब होगा और जो फर्दर चीज़ें होंगी वो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मुकम्मल तफसीलात के लिए इंशाल्लाह आपसे फिर राबता होगा।